यहाँ पे हम बात करने वाले डीआरडीओ के एआईपी के बारे में, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में, जिसको डीआरडीओ के लैब एनएमआरएल ने डेवलप किया था और इसका जो ग्राउंड बेस्ड प्रोटोटाइप है उसकी टेस्टिंग चल रही थी। जो सारे ट्रायल हैं स्पेशली एंड्योरेंस को लेकर वो कंडक्ट कर लिए गए थे और ये सारे ट्रायल सफल रहे हैं, तभी जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे आज जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस का नेवल ग्रुप भारत के एमडीएल के साथ मिलके जो भी आपके P-75 सबमरीन है, कलवरी क्लास सबमरीन है, वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे। आज जो INS वागीर है वो भी इंडक्ट कर लिया गया है, जो वाक्शीर है उसका भी इंडक्शन आपको कुछ मंथ में दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो डीआरडीओ का एआईपी है वो इंटीग्रेट होने जा रहा है कलवरी क्लास सबमरीन पे। जो कि इनके हल को कट करके जो इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा, वहाँ पे जो हेल्प पड़ेगी नेवल ग्रुप की वो आपको पड़ेगी, और उस कोऑपरेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया गया है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत में नेवल और मरीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो इंटीग्रेशन है वो जल्दी शुरू किया जाएगा। वैसे तो हम डीआरडीओ के आईपी को लेकर पास्ट में बात कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पे भी इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं या फिर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जो छोटा सा ओवरव्यू है एआईपी का वो दे लेते हैं। तो बेसिकली जो नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, वो इसलिए है कि जो भी आपके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं उनमें होती है बैटरी, और जब आप सबमर्ज कंडीशन में ऑपरेट कर रहे होते हो तो वो जो बैटरी की पावर है उनका आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो जो बैटरी की पावर है वो लिमिटेड रहेगी, जिससे कि जो आपका एंड्योरेंस है वो 10 से 15 दिन ही रहेगा, और जो आपकी बैटरी है अल्कलाइन बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी और आपको सर्फिस पे आना पड़ेगा उनको चार्ज करने के लिए। और चार्ज आप कैसे करते हो? चार्ज आप करते हो डीजल जनरेटर से, मतलब जो भी आपके जनरेटर्स हैं उनको रन कराकर जो बैटरीज है उनको चार्ज करोगे, और जो आपका जनरेटर है वो तब रन होगा जब वहाँ पर जो फ्यूल है डीजल फ्यूल वो बर्न होगा, और फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको एयर की आवश्यकता पड़ती है, और यही कारण कि आपको सर्फिस पे आना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे ये क्या है, एयर इंडिपेंडेंट है, मतलब जो आपकी डिपेंडेंसी एयर पे वो खत्म कर देगा ये जो मॉड्यूल है वो, और आपको अलाउ करेगा कि आप पानी के अंदर ही रहकर जो भी आपकी बैटरी है उनको चार्ज कर लो, चाहे वो अल्कलाइन बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी हो जिसको लेकर नेवी देख रही है अपने सबमरीन में। तो ये जो बैटरी है वो एआईपी की हेल्प से आप चार्ज कर पाओगे, और एआईपी आपको अलाउ करेगा कि आप एयर का इस्तेमाल ना करो। तो ये चीज करने के लिए जो डीआरडीओ के एआईपी है वो कुछ इन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा इस सिस्टम में काम करके। इनमें से जो मॉड्यूल है वो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है, हाइड्रोजन जनरेशन सिस्टम है, फ्यूल सेल सिस्टम है, और जो एक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है वो दिया गया है एचई के रूप में, हीट एक्सचेंजर के रूप में। तो यहाँ पे जो की एलिमेंट है जहाँ पे सारा काम हो रहा है, आपका फ्यूल सेल सिस्टम है, एस्टो जनरेशन सिस्टम है, और लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम है। तो ये तीन की एलिमेंट रहेंगे जो कि आपको अलाउ करेंगे यहाँ पे पावर को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्यूल सेल सिस्टम की। तो बेसिकली ये जो फ्यूल सेल है यहाँ पे ये बैटरी नहीं है, ये सेल यहाँ पे पावर जनरेट करता है एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करके। नॉर्मल बैटरी में आप देखते हो कि जो आपके एनोड और कैथोड होते हैं उनका जो डीके है वो होता है, वो चीज यहाँ पे प्राइमरली आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो जो बैटरियां होती है वो पावर स्टोरेज होती है, और यहाँ पे ये जो सेल है वो पावर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्यूल सेल का टाइप है वो आप चुन सकते हो एफिशिएंसी के हिसाब से, जैसे कि अल्कलाइन फ्यूल सेल हो गया, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हो गया, डायरेक्ट मेथनॉल हो गया, फॉस्फेरिक एसिड बेस हो गया, मोल्टन कार्बोनेट बेस हो गया, या फिर जो सॉलिड ऑक्साइड है वो माध्यम लेके बना सकते हो। तो ये कुछ जो प्रेफरेंस है वो की जा सकती है, लेकिन जहाँ पे आपको हायर एफिशिएंसी मिलेगी और जिस कंडीशन में आपको ऑपरेट करना है उसमें आपके लिए जो सूटेड होगा वो आप चुनते हो। डीआरडीओ ने यहाँ पे चुना है फॉस्फेरिक एसिड को, यानी PAFC को। तो बेसिकली PAFC में क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फॉस्फेरस है, आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको पावर चाहिए 250 किलोवाट से ऊपर की पावर, तो जो फ्यूल सेल के कई सारे जो स्टैक हैं वो आपको जोड़ने पड़ेंगे एक साथ, ताकि जो हायर पावर है वो आपको मिल सके। अगर इतने सारे स्टैक में से एक फ्यूल सेल को उठा लोगे तो जो अंदर का अरेंजमेंट है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसे एक प्लेट के अंदर जो एक तरफ कैथोड है एक तरफ एनोड है वो दिखेगा, बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फॉस्फेरस बेस्ड है डीआरडीओ में। यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि जो आपके कैथोड और एनोड है उनको स्पेसिफिकली बनाया गया है कई सारे मैनिफोल्ड करके, जो ऊपर से कोटिंग है प्लैटिनम की वो की जाती है, और इसको पोरस रखा गया है, और यहीं पे प्लैटिनम के बाद जो ग्रेफाइट है वो दिया गया है। प्लैटिनम इसलिए चुना गया है ताकि वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले सके। तो कैथोड और एनोड दोनों पे जो प्लैटिनम की कोटिंग है वो कर दी गई है, और प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट का लेयर है वो भी डाला गया है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप एनोड की तरफ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, वो छोड़ोगे, वो अंदर रिलीज करोगे, तो जो प्लैटिनम की प्लेट है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको पास कर देगा दूसरे एंड पे। और अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जो ट्रेवल करके जाएगा फॉस्फेरस के थ्रू कैथोड की तरफ, तो उसको उधर से मिल जाएगा O2, और जो ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो आपको पावर प्लस हीट दे के जाएगा, और जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिलेंगे तो H2O बना लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फीड किया हाइड्रोजन को H2 को, वो इस प्लेट से पास होने के बाद जो पावर है वो जनरेट कर रहा है, और फॉस्फेरिक एसिड से उधर जाने के बाद कैथोड की तरफ जाने के बाद जो वाटर है वो जनरेट करेगा। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे ही उधर जाएगा जहाँ पे उसको O2 मिलेगा तो वहाँ पे जो रिडक्शन है वो हो जाएगा, तो वहाँ पे जो H2O है
वो बन जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो आपको एक सेल से पावर मिली है वो काफी कम होगी, ऐसे आप मल्टीपल सेल स्टैक कर दोगे और वहां से जो आपको पावर मिलेगी वो आपके रिक्वायरमेंट के लिए सही होगी। तो यह है कन्वर्जन डिवाइस जहाँ पे आप गैस का इस्तेमाल करके जो पावर है कन्वर्जन वो कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको दो गैस के रिक्वायरमेंट है, पहला होगा हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, और यही जो दोनों गैस हैं वो आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर है, आपके एआईपी के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि आप जितना लिक्विड ऑक्सीजन कैरी कर रहे होगे उतनी आपके पास क्षमता होगी पानी के नीचे पावर को जनरेट करने की, या फिर जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन जनरेशन का वो जितना रहेगा उतनी जो पावर आप जनरेट करोगे। तो यहाँ पे डीआरडीओ का जो एआईपी है वो लिक्विड O2 को कैरी करता है और हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली जो NaBH4 है यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको जैसे ही आप पानी में डालोगे तो जो कन्वर्जन है H2 में वो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है H2 का वो काफी डिफरेंट है AIP के लिए। तो कितना वाटर यहाँ पे मिक्स करना है और जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट रहेगा, उन दोनों को बैलेंस करते हुए जो कैटलिस्ट है उसका एडिशन यहाँ पे किया जाएगा NaBH4 में, तब जो हाइड्रोजन जनरेशन है वो आपको दिखता है बेयर प्रोसेस के द्वारा, जिसको ब्राउनस्ली सिंगर ने पहली बार प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जिस तरह की भी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन की, वैसा जो वाटर रेशियो है वो आप ऐड करते हुए। आमतौर पर जो वाटर का रेशियो है वो 4 का अमाउंट रहता है, और वाटर ऐसी चीज है कि आपको सबमर्ज हालत में मिल जाएगी, और जो एक वेस्ट है प्रिसिपिटेट सॉलिड के रूप में वो NaBH4 का आपको मिलता है जिसको आप डिस्पोज कर सकते हो। तो अब जो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर बच गया है वो LOX का है, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का है। जितना आप कैरी करोगे उतना पावर जनरेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर जो LOX होगा वो तकरीबन 40 बार से लेकर 60 बार के बीच में प्लस राइट करके रखा गया है। एक पॉइंट यहाँ पे और कवर कर लेते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि जो ऑक्सीजन है वो आप जनरेट कर लो नीचे ही पानी में ही, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कुछ और ही रिक्वायर्ड होगा गैस के थ्रू पावर जनरेशन के लिए। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें जो सेंटर एलिमेंट है वो फ्यूल सेल सिस्टम है। फ्यूल सेल सिस्टम में जो LOX है वहां से आप O2 को एक्सट्रैक्ट करके भेजोगे, और दूसरी तरफ से जो H2 है हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट से वो भेजोगे, और फ्यूल सेल में दोनों आपको क्या देंगे, हीट देंगे, पावर देंगे, और जो वाटर है वो देंगे। तो पावर का जो इस्तेमाल है वो आप आगे भेज दोगे, जो आपके बैटरी वो चार्ज कर लोगे, अगर पावर एडिशनल है तो उनको आप शाफ्ट पे भेज दोगे। तो ये हो गया पावर का इस्तेमाल। जो हीट जनरेट हुई है उसको आपने ऊपर भेज दिया हीट एक्सचेंजर में थर्मल मैनेजमेंट के लिए, और जो वाटर जनरेट हुआ उसको आपने ड्रेन किया प्लग मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये कंप्लीट सर्किट है जहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो NaBH4 है उसको आप वाटर के साथ ऐड करके जो हाइड्रोजन है वो जनरेट कर रहे हो। तो ये एक PFC सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है मीडियम है वो फॉस्फेरस है, और जो एनोड गैस है वो हाइड्रोजन है। सो होपफुली जो इंटीग्रेशन है वो जल्दी कंडक्ट किया जाए सभी कलवरी क्लास पे, और जो प्रॉब्ली फॉलो अप ऑर्डर है स्कॉर्पिन का ही और उसके बारे में नेवी सोच रही है तो उसको जल्दी प्लेस किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।